थोड़ा घूमने चलता मैं जाके। पिछले कुछ दशकों में हमारे देश में महिलाओं में काफी बदलाव आया है। राजनीति, शिक्षा, खेल, मीडिया, सामाजिक कार्य, कला एवं संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नौकरशाही, सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने काफी ऊंचे ओहदों पर पहुंचकर अपनी योग्यता को प्रमाणित किया है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्रिमंडल सदस्य, संसद सदस्य, विधायक, बैंक तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुख्य पद। आज महिलाएं अपनी योग्यता से सभी उच्च पदों पर आसीन हैं। ये भी सभी जानते हैं कि अनेक भारतीय महिलाओं ने सामाजिक एवं व्यक्तिगत कठिनाइयों को पार करके अपने जीवन की नहीं बल्कि आसपास के लोगों की जीवन धारा का भी बदला है। ऐसे में इन महिलाओं की कथा गाथा और उनकी उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाने के लिए भारत सरकार तथा अनेक संगठनों ने पुरस्कारों की योजना बनाई। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिलाओं के सशक्तिकरण एवं बाल विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले एक वर्ष में मंत्रालय ने विभिन्न नवाचारों, योजनाओं, कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया, जिनमें से एक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जिसका आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत जिले से देश भर में घटते हुए लिंग अनुपात में सुधार लाने के लिए शुरू किया गया। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मंत्रालय द्वारा इसके अतिरिक्त भी ठोस कदम उठाए गए हैं, जैसे कि सर्टिफिक वर्ल्ड ऑफ सेंडिया डिमेंस हेल्पलाइन तथा स्कूल और कॉलेजों में जेंडर चैलेंज। महिला सशक्तिकरण की इस यात्रा में सोशल मीडिया की अहम भूमिका को मद्देनजर रखते हुए केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने फेसबुक के सहयोग से भारत की 100 श्रेणी में महिलाओं की उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए सोशल मीडिया यानी फेसबुक पर जनता के मतों से एक प्रतियोगिता आयोजित की। 15 जुलाई 2015 को 20 श्रेणियों में नामांकन आमंत्रित किए गए। ये 20 श्रेणियां थी महिला एवं महिला कानूनी अधिकारों की सुरक्षा, कृषि पशुपालन, पशु कल्याण, कल्याण एवं संस्कृति, वाणिज्य, उद्योग एवं उद्यमिता, समाज संचालन, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवन, भारत का सार्वभौमिकरण, स्वास्थ्य की देखभाल एवं तंदुरुस्ती, स्वच्छता और साफ सफाई, अशक्तता असुविधा, शिक्षा, बाल लिंग अनुपात में सुधार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नवाचार, साहित्य, मीडिया, पोषण, खेलकूद, लोक जीवन में महिला तथा महिला सशक्तिकरण। नामांकन की अंतिम तारीख थी 10 अक्टूबर 2015। विश्व के विभिन्न भागों से अनेक लोगों ने बड़े उत्साह से इससे भाग लिया और ऐसी महिलाओं का नामांकन भेजा जिन्होंने अपने जीवन जीवन समाज में अलग अलग 20 श्रेणियों के लिए 474 नामांकन डाले, जिनमें से विभिन्न क्षेत्रों